बर्गर फ्रेश जैसा दिखता है पर अंदर की सारी चीजें सड़ी हुई होती है। लेकिन सैड पार्ट इज दैट कि आपकी पूरी की पूरी बर्गर ही सड़ी हुई है। बुरा तो लगता है यार, सच बताऊं तो बीइंग अ यूट्यूबर भाई बुरा तो लगता है कि जब कोई अपने से आगे निकल जाए और जब मुझे उसी चीज़ का करने का शौक हो और वो बंदा जो है मुझसे अच्छा कर रहा हो और मुझसे ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहा हो तो वहाँ पे चुभता तो है। लेकिन सही बात ये होती है कि भाई सामने वाला बंदा जो कर रहा है आप उससे सीख करके आप अपने अंदर में भी इम्प्रूवमेंट ले करके आओ। जैसे कि मैं फिल्म रिव्यू करता हूँ, मुझे समझ आता है कि मेरा फिल्म रिव्यू बहुत कमज़ोर होता है क्योंकि मैं पब्लिक के नज़र से देखता हूँ ना कि किसी क्रिटिक के नज़र से। एक बंदा फिल्म देखने जाता है, पैसा लगाता है, जो उसको देख करके फील होता है वो बता देता है, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पर नहीं जाता है। कुछ लोगों को टेक्निकल चीज़ें देखनी पसंद होती है, वो उनका चैनल जा करके देखते हैं। कुछ लोगों को बस एकदम दिल से सुनने वाली बात आती है तो भाई वो मेरा चैनल देख लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जी, बिल्कुल वैसे ही साहिल जी, आपको भी सोचना चाहिए कि अगर ध्रुव राठी का प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है तो भाई आप अपने प्रेजेंटेशन का कुछ करो ना। पता चलता है जब तक आपने पलट तेरा ध्यान किधर है चैनल चलाया था उस वक्त तक नहीं समझ में आ रहा था, उस वक्त आपको देख करके ये समझ में आता था कि आप एक बहुत अच्छे फिल्म क्रिटिक है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर में सक्सेस मिलने लगा, आपने साइड बाय साइड जैसे ही दो चैनल और खोल दिए, तब जा करके समझ में आया कि आपका इंटरेस्ट जो है पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स के ऊपर में बात करने में है, और वहाँ पर जा करके आपका एक तरफ का रुझान ज़्यादा झुका हुआ दिखा और वो बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, आपका रुझान अगर बीजेपी की तरफ में है और किसी और का बीजेपी की तरफ में नहीं कहीं और है। अब देखो इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि रवीश कुमार जी जो है वो गरीबों के पत्रकार है। आपके जिस तरह से बड़े बड़े सूट बूट वाले जो सरकार चलती है उनके पत्रकार नहीं है। हाँ एक चीज़ और है कि वो आज से 11 साल पहले भी जा करके चेक करो तो वो उस वक्त में भी बीजेपी को गरियाते रहते थे और आज भी गरियाते हैं। आज जो है ज़्यादा रिलेटेबल इसलिए होता है क्योंकि जिनको दर्द होता है वो भाई उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर वो सरकार बदलने के बाद भी वो सरकार पे उंगली ना उठा करके फिर से ऑपोजिशन पे आ जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि ये वन साइडेड वाला मामला चल रहा है। अभी आते हैं ध्रुव राठी के ऊपर में कि आपने एक जगह पे कह दिया कि उन्होंने गौमूत्र को जो मजाक बनाया जिस तरह से दिखा करके, वो हमारे धर्म को आघात देता है, हमारे मतलब जो अपने सेंटिमेंट है उसको ठेस पहुंचाया गया है। तो सीधी सी बात है कि आप अगर लॉजिक की बात कर रहे हो तो लॉजिकल आप भी सोच लो, क्योंकि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि आप फैक्ट के ऊपर में बात करोगे, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के ऊपर में। तो भाई वो क्या था वो आपको भी पता है। आपका इस वीडियो में ये भी कहना है कि इनको कभी भी गर्व नहीं होता है। देखो एक चीज तो दिमाग में सबको पता होनी चाहिए, खास करके अगर वो पढ़े लिखे हैं और समझदार है, ना कि वो किसी और पार्टी के अंधभक्त है। जिस तरह से अपने मोदी जी के अंधभक्त लोग हैं, जिस तरह से लोग कहते हैं ना कि चड्डी फटी है, घर में खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, फिर भी कूद कूद करके वो बंदा बोलेगा मोदी मोदी, तो भाई वैसा अंधभक्त किसी भी पार्टी के अगर नहीं है तो उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर जो बंदा अभी जो चीज़ समझा रहा है वो समझाने के बाद जब यहाँ की पार्टी चेंज होती है उस वक्त अगर वो रूलिंग पार्टी पे अगर उस वक्त सवाल नहीं उठाता, दैट्स मीन कि वो एक ही पार्टी की तरफ में था, भले से वो नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो वो एक ही पार्टी की तरफ में था। वो उस वक्त में भी उसके खिलाफ बोल रहा था, आज वो सत्ता में नहीं है तो आज भी उसी के खिलाफ बोल रहा है। जबकि पत्रकारिता जो होती है वो किस लिए होती है कि सामने वाले जो पार्टी है जो कि अभी रूलिंग पार्टी है उस पर इंसान सवाल खड़ा करता रहे और जिसके प्रेशर में आकर के जो है आप अच्छा करते जाओ। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपकी मतलब घर की माहौल वैसे नहीं रही है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। क्या आपके पापा ने या समझ लो किसी के भी पापा ने सामने से ये बोला है वाह बेटा वाह क्या काम किया है, तुम कुछ भी करके आ जाओ, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस उम्र में तो हमने ये कर लिया था, डैड मैंने ये कर लिया है, हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो देखो उसने क्या किया है। ऐसे कहने का मतलब क्या है, वो प्यार नहीं करते अपने बच्चे से या फिर वो चाहते हैं कि भाई वो डीमोटिवेट होकर ख़त्म हो जाए। भाई वही चीज़ जो है, वही क्रिटिसिज्म, उस चीज़ के वजह से ना वो बच्चा और बेटर करता है। और उस बच्चे को पता है कब समझ में आता है, जब वो 30 प्लस हो जाए, जब वो 25 प्लस हो जाए, 25 के बाद से तो भाई समझ में आने लग जाता है धीरे धीरे, और 30 क्रॉस करते ही ये चीज़ समझ में आ जाता है कि जिस बाप को हम ये सोचते थे कि भाई मुझसे प्यार नहीं करता, हर चीज़ में नफरत ही करता रहता है, वो बाप ने एक टाइम पे मेरे लिए बिल्कुल सही था। आज समझ में आता है कि वो क्यों ऐसा करते थे। और आगे चल करके आप भी सोचते हो कि आप भी अपने बच्चे को वैसे ही हैंडल करोगे, पर दिल में रहता है कि थोड़ी नरमी बरतेंगे यार, हमने बहुत कुछ झेला है, मेरा बच्चा क्या सोचेगा,
ऊपर वैसे ही करेंगे, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो इज्जत मुझे मिल रही है, जो चीज मैं आज कर पा रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताश्री के स्ट्रिक्ट होने के कारण है। इस चीज को मानते हो? अगर नहीं मानते हो तो आप मुंह पे झूठ बोल रहे हो और नकारना चाहते हो। अब अगर बात कर रहे हो कि वो ताजमहल वाली चीजें, ये वो चीजें, कि भाई इस चीज में पैसा लगा था, वो पैसा कवर नहीं हो सकता है, तो ठीक है, हो गया कवर तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर किसी इंसान पे ये इल्जाम लगा रहे हो कि वो नेट पिकिंग करता है, चेरी पिकिंग करता है, उसको जो चीज अच्छा लगता है उसी चीज के ऊपर में वो उंगली रख करके बात करता है, आई थिंक आप भी वही कर रहे हो, क्योंकि उसके अलावा बंदे ने बहुत सारी चीजें कही है रूलिंग पार्टी के बारे में, आपने उसके ऊपर में कोई जवाब नहीं दिया कि किस तरह से बाबा रामदेव ने कोरोनिल को बेच डाला कोरोना के टाइम पे। हाँ, वो बंदा धर्म का रक्षा कर रहा था, वाओ अमेजिंग है ना। इसके अलावा आप सिर्फ इतना बता दो कि अभी रिसेंटली जो मोदी जी ने कहा है अपने स्पीच में, आप उससे क्या अपना रابطہ रखते हो, आपका क्या संक्षेप निकल कर आता है वो मुझे बताओ जरा, कि आप क्या सोचते हो। आपका कहना है कि कभी भी किसी भी चीज के लिए गर्व नहीं होती, गर्व होना चाहिए। बाय द वे, जिनके पास में भी दिमाग होगा, थोड़े पढ़े लिखे होंगे, थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल करेंगे बिना अंधभक्त बने हुए, तो उनको एक चीज तो समझ में आएगा कि जो हमारे पीएम साहब है ना, उनको ऐसे ही नहीं बैठा दिया गया, वो पूरी जनता ने चुना है, भले से वो 70% हो या 51% हो, जो भी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जिताया तभी जा करके वो पीएम बने हैं। लेकिन पीएम बनने के बाद में जब पावर आता है और जब अगली बार वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उस वक्त की जीत के ऊपर में सवाल उठता है। चलो उस वक्त में लोग जो है दोबारा से मौका देना चाहते थे, लेकिन इस बार अगर वो फिर से जीतते हैं तो क्या होगा, आपको समझ में आता है इस चीज के बारे में? नहीं आ रहा होगा कि आप उस वक्त हेट नहीं कर सकते, उस वक्त कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उस वक्त आप ही ने जिताया है, 2014 में आप ही लेकर के आए हो। लेकिन 2019 में, अभी 2024 में अगर कंटिन्यूसली ये चलता रहता है, तो आप ये देखो कि जहाँ पे पूरी दुनिया जागरूक चल रही है कि हर चीज़ के ऊपर में बात होती है, वो सारी चीज़ें सामने से दिख रही है, उसके बावजूद भी अगर जीत जाते हैं तो आपका क्या कहना रहेगा? सत्यवादी बन गए आप, वाओ, कि सत्य के बारे में बात नहीं होती है। अगर सत्य की बात इतना ही करते हैं तो एक बार पीछे मुड़ करके देखिए कि हमारे प्रिय मोदी जी ने क्या कहा था जब इलेक्शन जीतने से पहले उन्होंने भाषण दिया था, तो क्या कहा था और उसके बाद से क्या चल रहा है। और कुछ लोगों ने तो बिल्कुल सही कहा है कि क्या विमेन डे जो है वो पूरे 10 साल में एक ही बार आया है जिसमें सिर्फ 100 रुपये कम हुआ। अगर उस 10 साल का भी 100-100 रुपये पकड़ा जाए ना, तो अभी तक सिलेंडर फ्री हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी लोग कहते हैं, देखो भाई मुझमें उतनी अकल नहीं है, मैं कल का पैदा हुआ बच्चा हूँ, अंडा से तो अभी निकला हूँ। हाँ, आपके हिसाब से तो यही है, अंडे से तो अभी निकला हूँ मैं, मेरे पास अकल नहीं है। तो जहाँ तक मेरी समझ है कि लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि जिस प्राइस को 450-450 रुपये तक पहुँचाने के लिए 70 साल लग गए थे, उस प्राइस को मतलब 3x करने में सिर्फ 10 साल लगे, यानी 450 से 1200 का सिलेंडर, अमेजिंग ना सर? अच्छा सर, वो सारी चीज़ जाने दो, आप सिर्फ इतना बता दो कि हमारे प्यारे मोदी जी को जब भी कोई बंदा गलत लगता है, और ये वादा भी करते हैं कि ये जेल के पीछे देखा जाएगा, अगले ही स्लाइड में जाकर के ये कैसे हो जाता है कि वो बंदा इनके तरफ में आ जाता है, पार्टी ज्वाइन कर लेता है। मतलब मैं कल तक कह रहा था ये बंदा कातिल है, और आज वो जो है मेरे फैमिली का सदस्य बन के बैठा है, तो मैं खुद को क्या कहूंगा? या तो मैं पहले झूठ बोल रहा था कि वो कातिल है, या तो फिर मुझे कुछ फायदा दिखा है। हाँ, तो ये जो वॉशिंग मशीन का नया आया है ध्रुव राठी, चलो जर्मन शेफर्ड है, आपने सोच भाई मोहक को नहीं पकड़ा? हाँ, मंगल मोहक को नहीं पकड़ा है, क्यों भाई? वो बंदा तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता, हाँ, कि वो बंदा जो है किसी को खास करके डाउन करना चाह रहा है। आज वो बंदा भी खुल करके बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन क्या है, कोई जवाब है? आप भी नेट पिकिंग कर रहे हो, मैं भी नेट पिकिंग कर रहा हूं। सवाल ये है कि अभी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है और उस पर क्या रिएक्ट करना चाहती है। कमेंट सेक्शन पर लोग लिखेंगे, मुझे भी प्यारी प्यारी बातें कहेंगे, शायद आपको भी कह दे, लेकिन बात यहीं पे खत्म होनी चाहिए। जैसे सारे यूट्यूबर कहते हैं, मैं भी कहूँगा भाई, यूट्यूब कल्चर तो ऐसे ही है ना। देखो यार, बाहर में जाकर के किसी को हेट वेट फैलाने की जरूरत नहीं है, जो देना जहाँ देना वो यहीं पर देना, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है तो आपके सवाल का जवाब पूरा इस वीडियो में तो शायद नहीं आ पाएगा, लेकिन एक आखिरी टॉपिक छेड़ करके जा रहा हूँ, और अगर ऑडियंस आगे का रिप्लाई देखना चाहेगी तो कमेंट सेक्शन पे लिखेगी भाई इसका नेक्स्ट वीडियो बना दो, तो मैं वो भी लेकर के आऊँगा। तो जाते जाते सवाल ये है कि आपने कहा कि वो आप पार्टी की, आप सरकार का प्रवक्ता है, ओके फाइन। आई थिंक जो लोग आपकी सिर्फ फिल्म रिव्यू नहीं देखते, आपको अच्छे तरह से जानते हैं, तो आप भी किसी मीडिया कंपनी के लिए काम करते हो सर, और हर मीडिया कंपनी में किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का
एक सपोर्ट होता है। अब उस सपोर्ट को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए हिलाना तो पड़ता है ना, हर कोई जर्मन शेफर्ड बनता है। देखो मैं दिल से एक चीज़ तो समझ चुका हूँ कि जिस तरह से डेली मतलब हर दूसरे तीसरे दिन में या हफ्ते में कम से कम दो बार जो बमबारी कर रहा है ध्रुव राठी, भाई तगड़ा पैसा उसे भी मिला है। हाँ, जहाँ पे हमारे पीएम साहब ने अवार्ड दे करके सारे यूट्यूबर्स लोगों को खरीद लिया है, गेमर्स को खरीदा है ताकि यूथ से जुड़ सके, जो भी नए वोटर्स हैं उनको जो है अपने तरफ खींच सके, तो भाई वहीं पे क्या लगता है थोड़े पैसे तो अपोजिशन के पास भी होंगे, वो भी अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी जा करके पकड़ रहे, देख रहे भाई ये बंदा पहले से कर रहा था, चलो इसको थोड़ा पैसा देते हैं और दिल से करेगा। एक चीज़ तो मैं दिल से मानने लग गया हूँ कि अगर छोड़ो, सबसे पहले बात कर रहा हूँ, ये अभी नहीं हिलने वाली इसकी, मतलब अभी कुछ नहीं होने वाला कि अभी अचानक से ये सारे वीडियोस देख के पूरे मीडिया पे जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है कि भाई नो वोट फॉर बीजेपी, शेम ऑन गोदी मीडिया, शेम ऑन बीजेपी, शेम ऑन मोदी जी, मोदी जी हेट स्पीच, ये सारी चीज़ें जो भी चल रही है इसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपने शायद वो सुना होगा कि आप फौज को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते अंदर घुस करके, आपकी जो सेना है वो भी कम है और थोड़ी कमज़ोर है, तो आप बाहर से धीरे 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 करके काटना शुरू करते हो। ये वो वाला काम है भाई, ये आज जो है पूरा जड़ से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, लेकिन नींव थोड़ा सा तो हिल जाएगा, मोदी जी थोड़ा सा तो बौखला जाएंगे, थोड़ी सी कम सीट हो जाएगी, उसके बाद से बोलेंगे भाई देखो असर होना शुरू हो गया है। तो अभी कम से कम 10-15 साल मुझे ऐसा लगता है, ये कोई मिरेकल तो है नहीं, कोई फिल्म तो है नहीं जो यूं आया और यूं हो गया और बोले ये जो है, इट विल टेक सम टाइम अराउंड 10-15 ईयर्स, जब लोग एकदम उकता जाएंगे, जब भर भर के गाल, जैसे कांग्रेस को बोल रहे थे साले पूरा खा गए, पूरी इंडिया को खा गए, फिर से मूड चेंज होगा पब्लिक का, फिर से पलटेगी सरकार, तो भाई टाइम तो लगेगा। पर एक चीज़ है, ये चीज़ जब भी होगा उसके पीछे में सबसे बड़ा हाथ ये जर्मन शेफर्ड का हो सकता है, मैं ये चीज़ मानने लग गया हूँ कि भाई ये बंदा रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन ना बम गिरा रहा है, इसकी आगे की बात ये भाई साहब जो भी करते ना, साहिल चांडल साहब इज अ वेरी गुड फिल्म क्रिटिक, पर इनकी विचारधारा पॉलिटिक को लेकर के, धर्म को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के बहुत उल्टी है। और मुझे समझ में आता है क्योंकि ये बिहार से है, जहाँ पे भाई ये अपने गाने के ऊपर में निंदा तो करते हैं लेकिन इनकी सोच उसी गाने तक में अटकी हुई है, जहाँ पे ये कहते लड़की को ऐसा कपड़ा पहनना शोभा थोड़ी ना देता है, अरे सेक्युलर होने का डंका जो बजा रहे हो ना ये तुम्हारी कुछ मार लेगी। क्या बोल सकते हैं, दैट्स इट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आई एम वेरी सॉरी इतने लंबे वीडियो के लिए, लेकिन अगर कुछ भी आप इस सारी चीज़ों से थोड़ा सा भी अगर आपका कनेक्शन है, कमेंट सेक्शन में बताओ आपका क्या सोच है, आप क्या सोचते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।